ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट्स दिए, एक्स वन ऑफ एन एंड एक्स टू ऑफ एन। ठीक है, ए वन ए टू, सॉरी, ये ए वन, ये बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ए फोर ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, कंसिडर द नॉन रिकर्सिव सिग्नल प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट डेटा ब्रॉडकास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अल्गोरिदम। ठीक है, क्या करना है, इक्विवेलेंट डेटा ब्रॉडकास्ट हमको इसका निकालना है, सो दैट टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द सिस्टम। ओके, डू नॉट यूज एनी एडिशनल लैचेस। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे कोई भी कट सेट नहीं निकालना है, मतलब फाइन ग्रेन पाइपलाइनिंग नहीं करनी है, या फिर सादी भी पाइपलाइन होगी वो भी नहीं देना है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग पाइपलाइनिंग देंगे तो वहाँ पे एडिशनल लैचेस ऐड होंगे, इसलिए हियर वी कांट गिव द कट सेट्स। ओके, डू नॉट यूज एनी एडिशनल लैचेस। और बोला है कैलकुलेट द थ्रूपुट, ओके, और सैम्पलिंग स्पीड ऑफ द ब्रॉडकास्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, और हिंट में दिया है ट्रांसपोज ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द टू इनपुट वन आउटपुट सिस्टम। ओके, हियर एज वी कैन सी देर आर टू इनपुट्स, एक्स वन ऑफ एन एंड एक्स टू ऑफ एन, एंड द आउटपुट इज ओनली वन, वाई ऑफ एन। सो हियर वी कांट अप्लाई द ट्रांसपोजिशन थियरम। ओके, और ट्रांसपोज ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर अभी क्या करना है, इसका हमको ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर निकालना है और हमको स्पीड इसकी कम करनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे विदाउट अप्लाइंग ट्रांसपोजिशन थियरम, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस, ठीक है, इसका क्रिटिकल पाथ सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर वो देख के हम लोग फिर काम करेंगे। ठीक है, मतलब दूसरा वाला क्या अप्लाई, मतलब डेटा ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर अप्लाई करने के बाद फिर हमारा क्या आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पाथ देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये होगा क्या? नहीं, ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, ये हो रहा है, ये दिख रहा है हमको, एक तो ये या फिर ये, कोई भी ले लो, बोथ द पाथ्स आर सेम। ठीक है, वन ये वाला, सो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। ओके, सो द सैम्पलिंग टाइम विल बी टी सैम्पल टी एम प्लस 1 2 3 4 5, 5 TA। ठीक है, कंसिडरिंग द कंप्यूटेशनल टाइम ऑफ ईच मल्टीप्लायर इज टी एम एंड कंप्यूटेशनल टाइम ऑफ ईच एडर इज टी ए। ओके, हियर द सैम्पलिंग टाइम वी गॉट टी एम प्लस 5 TA। ठीक है, इसको अभी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। नाउ हियर वी हैव टू रिड्यूस इट, बट वी कांट यूज लैचेस हियर। ठीक है, सो हियर वी विल कंप्यूट दिस यूजिंग ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर हमको निकालना है बट ट्रांसपोजिशन थियरम अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रांसपोजिशन थियरम हमको ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, देखो ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे,
अभी देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डिले देखो, दो डिलेज यहाँ पे थे पहले, पहले के डायग्राम में हमने क्या देखा था, जो दो डिलेज थे वो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन के मैं क्या बोला था कि हम लोग डिलेज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कम कर दिया डेटा ब्रॉडकास्ट में। और अब यहाँ पे क्या आएगा, A1 B1 आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे A1 B1 नहीं आएगा। ये हो गया हमारा इनपुट X1 ऑफ, ये हो गया X2 ऑफ N। ठीक है, और ये आउटपुट Y ऑफ N। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे A5 B5, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ऊपर का जो डायग्राम है उसको सेटिस्फाई करना है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगे उसको हमको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे A5 लिखा, यहाँ पे B5 लिखा, ठीक है। इसके ऊपर के डायग्राम में यहाँ पे A1 लिखा था, B1 लिखा था, ठीक है, बट टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्रीवियस डायग्राम हियर वी विल राइट A5 एंड B5। यहाँ पे A4 B4, A3 B3, A2 B2, A1 B1। अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा, ये होगा क्या? नहीं, यहाँ पे डिले आ रहा है सेम यहाँ पे, सो आवर क्रिटिकल पाथ विल बी दिस, ठीक है। सो नाउ अ सैम्पलिंग टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड टू टीएम प्लस टीए, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द थ्रूपुट और सैंपल स्पीड ऑफ द ब्रॉडकास्ट आर्किटेक्चर। थ्रूपुट यानी सैंपलिंग स्पीड, सैंपलिंग स्पीड इज नथिंग बट द एफ सैंपल, एंड एफ सैंपल इज 1/T सैंपल। सो हियर थ्रूपुट ऑफ द ब्रॉडकास्ट आर्किटेक्चर विल बी 1/Tm+T। ठीक है, पहले ये डायग्राम निकाल लो ऊपर वाला, फिर इसके नीचे का निकालना, और क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, और जो बुक है उसमें से क्वेश्चन लिख लो, या तो फिर मैं डिक्टेट करती हूँ, डिक्टेट करके लिखो तो और थोड़ा टाइम जाएगा, उससे जस्ट स्पेस छोड़ दो ऊपर और क्वेश्चन वहां पे लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ केशव पारी यूनिट नंबर 3, ठीक है। ये केशव पारी का जो यूनिट नंबर 3 है वो है पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में हमारा यूनिट नंबर 1 है, बट बुक में वो 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, अंकिता अदिति, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। वैसे ये भी है डायग्राम बुक में, लेकिन ये निकाल लो, क्योंकि उसमें से तो तुमको क्या निकालना है, उसका सैम्पलिंग टाइम, फिर उसके बाद ये वाली निकाल लो, उसकी ब्रॉडकास्ट।
मोबाइल लेकिन उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं दिख रहा रेंडर ऐसे, ठीक है।